Hi guys, welcome back. Oh my goodness, यार, hats off to the entire team of Kalki. इस तरीके का rampage mode, that too in the Hindi language. यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि भाई साहब कल्कि जो है ये सिर्फ और सिर्फ तेलुगु बेल्ट में कमाल करेगी, साउथ बेल्ट में कमाल करेगी, हिंदी और नॉर्थ बेल्ट में इस फिल्म को सेकेंड डे से ही ड्रॉप देखने को मिलेगा. लेकिन मैं आपको बता दूं, सेकेंड डे की टोटल कलेक्शन आ चुकी है और वो सुनने के बाद हेटर्स की हालत पतली होने वाली है. एक प्रॉपर एपिसोड ऑन द हेटर्स, एक प्रॉपर एपिसोड ऑन द हेटर्स मुझे करना है. अगर आप देखना चाहते हो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि उसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. बट राइट नाउ इट्स द टाइम फॉर सेलिब्रेशन. मैन, ओवरसीज के नंबर सुनोगे, आपका दिल खुश हो जाएगा सुन करके, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड दिस इज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. पता है कल क्या हुआ? सेकेंड डे पर जो लोग कह रहे थे ना कि ये तो हिंदी बेल्ट पे काम नहीं करेगी, कल के दिन पर ड्रॉप आया तो सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में आया. भाई हिंदी में 1% का ड्रॉप नहीं, 1% का ड्रॉप नहीं, नंबर्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, नॉट इवन 1%. अब बताती हूँ कहानी क्या हुई कल के दिन पर. दिस इज फिनोमिनल, फिनोमिनल सक्सेस ऑफ कल्कि एंड फिनोमिनल सक्सेस ऑन दोज हु वर अंडर एस्टिमेटिंग कल्कि. मैंने आपको डे वन पे ही बोला था कि ये फिल्म एक नए आयाम छुएगी, नए नए रिकॉर्ड्स बनाएगी, क्योंकि इससे पहले हमने जो भी फिल्में देखी है कमिंग फ्रॉम तेलुगु इंडस्ट्री और एनी अदर इंडस्ट्री फ्रॉम द साउथ, उसमें हमने देखा है कि वहां का जो कंटेंट है वो इतना होलसम, लोग कहते हैं इतना होलसम नहीं है. हमारे को ऐसा लग रहा है केवल साउथ की फिल्म है. भाई इस फिल्म के अभी नंबर सुनना, इस नंबर के बाद आप कुछ नहीं बोल पाओगे लिटरली. तो डे वन पे हमने देखा इंडिया नेट कलेक्शन कितनी थी, 95.3 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन, जिसमें तेलुगु लैंग्वेज से 65.8 करोड़, बहुत बड़ा नंबर करके दिया ऑन डे वन इंडिया नेट. हिंदी बेल्ट की बात करें तो 22.5 करोड़ का नंबर आया. कल मैंने आपसे कहा था, कल की प्रेडिक्शन थी कितनी, 50 करोड़, 50 से 60 करोड़ मैंने आपसे कहा था, और कल की टोटल कलेक्शन आई है 54 करोड़, जिसमें अगेन तेलुगु लैंग्वेज से 25.6 करोड़ हुआ है, बिकॉज वहां पर मॉनसून बहुत ज्यादा है. कुछ और भी रीजन से बात करेंगे. लेकिन हिंदी लैंग्वेज में जो डे वन पे 22 करोड़, 22.5 करोड़ था, वही डे टू पर नंबर है 22.5 करोड़, एग्जैक्ट नंबर. नाउ यू टेल मी, नाउ यू से कि ये फिल्म जो है हिंदी में कमाल नहीं कर रही, इसको हिंदी ऑडियंस पसंद नहीं कर रही. भाई मैंने तो आपसे कल ही कहा था, परसों ही कहा था कि हम लोगों ने जब देखी फिल्म उसके बाद जो वर्ड ऑफ माउथ गया एकदम से, तो लोग शॉक में आ जाते हैं कि यार ऐसी फिल्म कैसे बन गई जिसमें हम महाभारत भी देख रहे हैं, जिसमें हम फ्यूचर भी देख रहे हैं, जिसमें हम हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी सही देख रहे हैं. ऐसी फिल्म कैसे बन गई? और वो बन सकती है केवल और केवल टॉलीवुड बना सकता है. साउथ की फिल्में होती है जिनमें हमारे एक्चुअली यू फील दैट इमोशन. और कल्कि में आपको कर्ण का अवतार जब प्रभास लेते हैं, गूज बम्स होते हैं उस टाइम पर. ऐसा लगता है कि मतलब द एंटायर थिएटर वॉज स्टेडियम, मैंने आपको बताया था, एंटायर थिएटर वॉज लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड, तालियां, सीटियां. और साउथ में तो अलग ही हाल चल रहा था. अब सुनो कल का ऑक्यूपेंसी वाइज क्या रहा. चलो अगर आपको ये नंबर मैंने आपको बताया, ऑक्यूपेंसी वाइज मैं आपको बताती हूँ कल ऑक्यूपेंसी क्या रही. कल भाई ऑक्यूपेंसी ने अलग फोड़ दिया. सुबह सुबह डर लग रहा था मुझे. सुबह ऑक्यूपेंसी पता कितनी थी, 12% 15%, हिंदी 2D की बात कर रही हूँ, 12-15% थी. जैसे ही दोपहर हुई और एक डबल का लीप लिया, मैंने आपसे कहा था इट इज टेकिंग लीप्स, जंप नहीं ले रही है, लीप्स ले रही है, जिसमें मतलब डबल ट्रिपल परसेंट ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है. और वही हुआ कल. अगर मैं आपको पहले तेलुगु 2D की ऑक्यूपेंसी बताती हूँ यहाँ पर, तो मॉर्निंग शोज 48%, आफ्टरनून 59, इवनिंग 69, और नाइट शोज 83% ऑक्यूपेंसी रही तेलुगु लैंग्वेज में. ऑफकोर्स ऑक्यूपेंसी तो इतनी रहनी ही है. तेलुगु 3D में नाइट शोज वर 78% फुल. उसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हिंदी के बारे में बात हो रही है, भाई मॉर्निंग में कितनी थी, 12.5% बता रही हूँ आपको, आफ्टरनून में कितनी हुई सीधा डबल, 24.8%, इवनिंग में 34%, नाइट शोज में 55% इन हिंदी 2D. एंड हिंदी 2D आई एम टेलिंग यू इज नॉट दैट पॉपुलर इन हिंदी. हिंदी में 3D वर्जन ज्यादा अच्छा कर रहा है. हिंदी में मॉर्निंग शोज 15% के थे, आफ्टरनून 31.3%, इवनिंग 41.2%, और नाइट शोज भाई 64.5%. ये तब होता है, ये उन फिल्मों के साथ होता है जिनको ऑडियंस सच में पसंद करती है. ये कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकती. यहाँ पे नंबर्स की बात करते हैं ना कई लोग, यहाँ पर कि नंबर्स प्रोजेक्टेड होते हैं, नंबर्स मैनिपुलेटेड होते हैं. वो जो दो समोसे हैं वो भी यही बात कर रहे हैं ना कि नंबर, साउथ की इंडस्ट्री जो है वो नंबर्स प्रोजेक्ट करके बता रही है. भाई ऑक्यूपेंसी तो तुम्हारे सामने है, किसी भी थिएटर में जाकर कल की इस वक्त पे जाकर के देख लोगे, तुम्हारे सामने सारी सच्चाई आ जाएगी कि क्या चल रहा है. पीपल आर गोइंग मैड क्रेजी. अब कल रात के मुंबई के शो, कल मुंबई के शोज जो है उनकी ओवरऑल ऑक्यूपेंसी अगर 30% थी अकेले मुंबई की, ये बहुत बड़ा नंबर है. मुंबई से आसान नहीं है मुंबई की जनता को साउथ की फिल्म कह रहे हैं, हम जो लोग कह रहे हैं साउथ की फिल्म है, साउथ की फिल्म, तब वो 30% ऑक्यूपेंसी दे रही है इन 3D वर्जन. दिल्ली NCR 42.2% की ऑक्यूपेंसी, बैंगलोर ऑफकोर्स हिंदी वर्जन में भी 49%, हैदराबाद हिंदी वर्जन में भी 50% की ऑक्यूपेंसी है. ऐसा मैडनेस चल रहा है. एंड दिस इज नॉट
नॉर्मल थिंग, ये नॉर्मल नहीं है। आज का अगर मैं आपको ट्रेंड बता दूं ना आज का, आप सुनकर हिल जाओगे। अभी पहले लेकिन टोटल नंबर्स की बात करते हैं कि टोटल कलेक्शन कहाँ तक पहुंची है इंडिया नेट। इंडिया नेट टोटल कलेक्शन पहुंच चुकी है 149.3 करोड़। तेलुगु लैंग्वेज से 100 करोड़ आज कंप्लीट हो रहा है इन नेट कलेक्शन, 91 हो गया है। और हिंदी से 45 करोड़ की कलेक्शन आ चुकी है इन जस्ट फ्रॉम द हिंदी बेल्ट। आज का एक्सपेक्टेशन है 40 करोड़ ऑफ हिंदी, 40 करोड़ इन हिंदी वो आ जाता है। और अगर कल भी अनदर 30 करोड़ के आसपास कल आ जाता है तो हिंदी बेल्ट से ही 100 करोड़ हो जाएगा इंडिया नेट में, हिंदी बेल्ट से ही। सोचो ये फिल्म कहाँ तक जाएगी, किस नंबर तक जाएगी। तो यहाँ पर ये नंबर है। इसके अलावा सुनो ओवरसीज में क्या कहानी चल रही है। ओवरसीज का अभी जस्ट कह लो आधे घंटे पहले एक अपडेट आई है, $7 मिलियन एंड काउंटिंग जस्ट फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। उफ मैन, रैम्पेज, रेबल इज रेबलिंग। यहाँ पे तो प्रभास का स्टारडम है। प्रभास का स्टारडम अपने आप में एक ऐसी चीज है जिसको लोग चेज करते हैं, लोग ढूंढते हैं भाई ये चल कैसे रहा है, ये हो कैसे रहा है। मतलब 7 मिलियन एंड काउंटिंग इन जस्ट 2 डेज और प्रीमियर डे ऐड करके, दिस इज अनरियल, अनरियल। फैंस पागल है, हम खुद पागल है खुशी के मारे, क्योंकि हमने भी नहीं सोचा था कि भाई इतना रैम्पेज मचेगा, इतना रैम्पेज मचेगा। इनफैक्ट मैंने और भी कई सारे फिगर्स देखे, अभी से कुछ देर पहले मैंने पोस्टर देखा था 6.9 मिलियन एंड काउंटिंग, और भाई थोड़ी देर में 7 मिलियन का पोस्टर आ गया। उससे मतलब इवन द एग्जिबिटर्स आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब इन प्रमोटिंग दिस मूवी, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। अब सुनो कहानी कि ओवरसीज के अलावा आज की बात अगर हम करते हैं, आज का एक्सपेक्टेशन क्या रह सकता है। आज का एक्सपेक्टेशन साफ तौर पर ऑफिशियली 100 करोड़ ग्रॉस करने वाला है। 100 करोड़ इज केक वॉक। आज सैटरडे, आज छुट्टी का दिन है, और अगर हम हाफ छुट्टी भी लेके चलते हैं, कई कई ऑफिसर्स खुले भी होते हैं, और मानसून ने दस्तक दे दी है भाई, मानसून ने दस्तक दे दी है, तो इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इन द साउथ एंड ऑफ कोर्स इन द नॉर्थ एज वेल। तो माना यह जा रहा है कि अगर वो भी होता है रीजन, तो भी भाई 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड तो आसानी से आता हुआ लग रहा है आज के दिन पर। इट इज अ केक वॉक। और फिर असली रैम्पेज होगी कल संडे को। संडेज आर ऑलवेज बिगर देन सैटरडेज इन व्हेन इट कम्स टू बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस ऑफ दीज काइंड ऑफ मूवीज। बड़ी फिल्मों की जो कलेक्शंस होती है या किसी भी फिल्म की कलेक्शन, संडे को सबसे ज्यादा होती है ओपनिंग वीकेंड में। सो दिस इज अनरियल, दिस इज टोटली अनरियल, मैड नंबर्स कल की कर रही है। एक और चीज जिसके बारे में मुझे बात करनी है, जो मैं आपसे कह रही हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है पता है आज के समय में, और वो ये है कि जब हम किसी और फिल्म के बारे में बात करते हैं या कोई और स्टार फ्रॉम द मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से कोई इतनी बड़ी फिल्म आती है, तो मैंने देखा है कि कुछ लोग हैं जो उसका हर घंटे का अपडेट दे रहे होते हैं, जिनको हम फॉलो भी करते हैं, बट यहाँ पर मुझे इतना लैग क्यों नजर आ रहा है, व्हाट इज द रीजन। इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहती हूँ मैं इन अ सेपरेट वीडियो, जो मैंने आपसे कहा एक सेपरेट वीडियो ऑन व्हाट इज गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री, व्हाट इज हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है। ये इस तरीके का अगर पार्शियलिटी काइंड ऑफ, या कह लो कि यू नो एक कोल्ड करंट्स यहाँ जो आ रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, वो उसके बारे में मुझे बात करना मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट कॉल आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। पार्शियलिटी करोगे तो कॉल आउट तो मैं करूंगी करूंगी, तो अगर आपको उसके ऊपर एक सेगमेंट चाहिए मुझे जरूर बताना। ऑल दो आप बताओ ना बताओ, मैं उसके ऊपर सेगमेंट लेके जरूर आऊंगी, क्योंकि मुझे उसके ऊपर बोलना है। ये नहीं होना चाहिए यार, दिस इज नॉट राइट। कल्कि के साथ कुछ कुछ इम्पार्शियलिटी हो रही है, और वो मुझे थोड़ा सा उसके ऊपर यू नो आई नीड टू पुट सम लाइट ऑन दैट। सो आपको क्या लगा है ऑल इन ऑल कलेक्शन सुनने के बाद, आपको क्या रिएक्शन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट कॉल स्टार फाइन।